राज्यव्यापी मस्जिद और औरंगजेब के बहाने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के लिए भी जिम्मेदार औरंगजेब ही है, पीएम मोदी नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कटाक्ष साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उन्होंने कहा बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के लिए भी जिम्मेदार औरंगजेब ही है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं। तो इस तरह का तंज कसा है ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। अगर इतिहास की बात करना है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बेरोजगारी महंगाई वगैरह के लिए भी जिम्मेदार औरंगजेब ही है। अगर शिवलिंग मिला था तो कोर्ट के कमिश्नर को यह बात बतानी चाहिए थी। तो इस तरह का बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले साफ कह दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और ज्ञानव्यापी मस्जिद कयामत तक रहेगी। हमने एक बाबरी मस्जिद को खो दिया है, अब हम ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं खोएंगे। उन्होंने कहा मैं इनके षड्यंत्र को और साजिश को भलीभांति समझ रहा हूं। तो एक बार फिर बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के लिए भी औरंगजेब ही जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इतिहास की बात करनी है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बढ़ती बेरोजगारी महंगाई वगैरह के लिए के जिम्मेदार भी औरंगजेब ही है। अगर शिवलिंग मिला था तो कोर्ट के कमिश्नर को यह बात बतानी चाहिए थी। आपको बता दें कल ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिला, ऐसा हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वहां एक फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। हम सुनाएंगे आपको उन्होंने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा हम एक बाबरी मस्जिद खो चुके हैं, अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं खोएंगे। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो दो बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महलों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महलों की गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। तो आपने सुना ओवैसी को, ओवैसी साफ कह रहे हैं जब तक अल्लाह कयामत तक दुनिया को सलामत रखेगा तब तक ज्ञानव्यापी मस्जिद रहेगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और वो कयामत तक रहेगी।
लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद और औरंगजेब के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए भी औरंगजेब ही जिम्मेदार है, पीएम मोदी नहीं। तो इस तरह का तंज असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ज्ञान व्यापी मस्जिद और औरंगजेब के बहाने कसा है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।